संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम। नवीन तिवारी अनुरक्ति सबनानी, आपने भी इस विषय में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुरक्ति सबनानी इसके अतिरिक्त दो अन्य विषय अर्थात तीन विषयों में प्रथम पुरस्कार पाया है अनुरक्ति ने। अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, गुप्तवार्ता, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन और साथ ही कार्यालयीन प्रक्रिया, पुलिस प्रशासन, सेवा विषय और विभागीय जांच एवं अपील में भी अनुरक्ति सावधानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ख्याति मिश्रा, आपने व्यावहारिक प्रशिक्षण समीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त किया। आशुतोष पटेल ने भी व्यावहारिक प्रशिक्षण समीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। व्यावहारिक प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन श्री संतोष पटेल, व्यावहारिक प्रशिक्षण में आपने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, आपको पुरस्कार भी बधाई। इस तरह से ये 40वें बैच के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। प्रशिक्षुओं के पुरस्कार वितरण के अंतिम चरण के पूर्व मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री विवेक चौरी, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश से उनके उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पे उपस्थित स्पेशल डीजी ट्रेनिंग, मिशन डीजी ट्रेनिंग और विशेष रूप से आमंत्रित पे मिशन डीजी साहब और 39th, 40th और 41st बैच के सभी डीएसपी जो हम प्रशिक्षु नहीं हैं आज से पूर्व डीएसपी के रूप में काम करेंगे, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा, जिस फील्ड में अब आप ड्यूटी करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर उतर रहे हैं, जिसका कुछ टेस्ट आपको मिल चुका है अपनी ट्रेनिंग के दौरान, ये समय काफ़ी बदला हुआ समय है। जिस तरह से हम लोगों ने जब नौकरी शुरू की थी, आज के समय में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्राइम का पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, नई चुनौतियाँ हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे जो आपके जो आईपीसी ऑफेंसेज हैं उनका भी करने के तरीके अब बहुत बदले हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि जो भी ट्रेनिंग और जो जो एक्सपोजर आपको इस एकेडमी ने दिया है और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने जिलों में अपने मेंटर्स के साथ दी है, वो आपको इन सब का सामना करने के लिए अच्छी तरह से कर चुकी है और आप इसमें फ्लाइंग कलर्स के साथ अब सामने आएंगे। वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय। अब मेरे सहयोगी चौधरी मदन मोहन जी पुरस्कार वितरण के अंतिम चरण का संचालन करेंगे। धन्यवाद सर। अब हम इस अंतिम चरण में 41वें बैच को पुरस्कृत करेंगे और साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ अन्य पुरस्कार है वो भी इसी चरण में प्रदान करेंगे। तो मैं 41 बैच की नीलेश्वरी दावत, आपने तीन विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मैं आमंत्रित करता हूँ नीलेश्वरी सावर को। आपने पुलिस संरचना एवं प्रशासन, भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये पुलिस विभाग के तीनों में आपने। अब मैं आमंत्रित करूंगा पराग सैनी। पराग सैनी ने पांच विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके विषय हैं अपराध शास्त्र एवं दंड प्रशासन, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम, प्रबंधन, कंप्यूटर, डिजिटल जगत और पुलिस कार्य, अपराध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण, अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा, गुप्तवार्ता, कानून व्यवस्था, यातायात एवं आपदा प्रबंधन। इतने महत्वपूर्ण विषयों में पराग सैनी ने पांच विषयों के अंदर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। एक बार तालियां हो पराग सैनी।
मैं अरविंद कुमार शाह, श्री अरविंद कुमार शाह को आमंत्रित करता हूं। अरविंद कुमार शाह ने भारतीय दंड विधान में नीलेश्वरी टावर के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह इसी विषय में शालिनी परस्ते द्वारा भी उच्चतम अंक लेकर, समान अंक लेकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अर्थात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय दंड विधान जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, हमारे चार चार प्रशिक्षु उसमें प्रथम स्थान पर एक साथ, तो बहुत ही कठिन कॉम्पिटिशन था। शालिनी परस्ते के बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्री चंद्रशेखर पांडे को, आपने भी भारतीय दंड विधान में समान अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्री चंद्रशेखर पांडे ने अपराध अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण इस विषय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, अर्थात दंड विधान भी और अपराध अनुसंधान भी और पर्यवेक्षण भी, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपने प्राप्त किया, बधाई चंद्रशेखर जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दीपा मंडवे। दीपा मांडवे जी ने सीमांत वर्गों के विरुद्ध अपराध एवं संरक्षण विधान एवं विविध लघु अधिनियम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, बधाई दीपा मांडवे। राहुल कटरे, आपने व्यक्तिगत विकास एवं मानव व्यवहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया, श्री राहुल कटरे। अंजलि रघुवंशी, आपने डॉक्टर अम्बेडकर दर्शन, न्यायशास्त्र, भारतीय संविधान एवं मानव व्यवहार विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभिषेक गौतम, आपने थाना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में निरीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पल्लवी गौर द्वारा कार्यालयीन प्रक्रिया, पुलिस प्रशासन, सेवा विषय, विभागीय जांच एवं अपील विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अक्षय चौधरी को, डीएसपी एचडीओपी महोदय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। स्कूलों में जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है तो अक्सर ये लिखा रहता है। आप सब भी शिक्षा पूरी हुई सेवा को जा रहे हो। एक वाक्य और लिखा रहता है कि जीवन का निर्माण यहां निस्दिन चलता है, स्वर्ण यहां मत खोज, यहां मानव ढलता है। लेकिन यह शिक्षांत समारोह नहीं है, यह दीक्षांत समारोह है। ये दोनों शब्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारे यहां पहले गुरुजी हुआ करते थे, गुरुदेव थे, यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, स्कूल नहीं होते थे, गुरु के आश्रम पर शिक्षा होती थी। पर परिदृश्य बदला, परिस्थिति बदली, लॉर्ड मैकाले जैसे लोग उद्भूत हुए और शिक्षा पद्धति में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। और शिक्षक बन गए गुरुजी, और शिक्षक बनते ही उसकी मर्यादाएं, सीमाएं, तनख्वाहें, वो सब प्रारंभ हो गई। समारोह का आज भी नाम दीक्षांत समारोह है, और दीक्षा का मतलब यह है कि शिक्षा के बाद जो शुरू हो वो दीक्षा है, जो अनुभव से आए, जो ज्ञान से आए। जानकारी तो बहुत सारी गूगल पर भी है, पर ज्ञान गूगल पर नहीं है, वो स्वयं को ही पैदा करना होगा, स्वयं को ही विकसित करना होगा। और इसलिए कहा भी गया है कि मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। आज की भले ही एक चरण, प्रथम चरण पूर्ण हुआ हो, पर हमेशा सीखते रहना चाहिए। पिछली बार में डीएसपीओ एचडीओपी के कार्यक्रम में आया, फोटो सेशन हो रहा था, आदरणीय अनुराधा शंकर जी बगल में बैठी थी, उनने मुझे ज्ञान दिया, मैं को वो ज्ञान था ही नहीं।
भले 30 साल की विधायकी की 31 साल की हो गई, 15 साल की मिनिस्ट्री हो गई, पर वो ज्ञान पहली बार मिला कि पैर को कैसे करके बैठना है। इधर को पैर करूंगा तो कैसा होगा, उधर को पैर करूंगा तो कैसा होगा। उस दिन से मैं इतना भयभीत रहता हूं कि आधा ध्यान बैठते समय पैर पे ही चला जाता है। नहीं, मैं विनोद के लिए नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। अभी भी बैठा तो ध्यान वही था, पता नहीं मेरा इधर पैर हो जाए तो ये क्या समझे, क्योंकि जानकार लोग बैठे हैं और हम चूंकि राजनीति में है तो बिल्कुल रफ लाइफ को जीते हैं, और रफ लाइफ को जीते हैं तो उस तरह के हैं, स्वभावतन है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो, सार्वजनिक जीवन ही है वो, जैसे हमारा सार्वजनिक जीवन है। डीजी साहब ने मुझसे पहले, सभी वक्ताओं ने, राव साहब ने भी आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित किया कि समाज में क्राइम के स्वरूप बदल गए हैं। क्राइम की शिक्षा भी दी होगी, पकड़ने की शिक्षा भी दी होगी, उसका ज्ञान भी आपको दिया होगा। मैं नहीं मानता कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया होगा, पर वाणी का ज्ञान जरूर ध्यान रखना। आप अधिकारी बन के जा रहे हैं, क्योंकि विश्व के अंदर क्रांति, भ्रांति और शांति तीनों वाणी के द्वारा आई है, जवान के द्वारा आई है, शब्दों के द्वारा आई है। आपने अगर शब्दों का चयन ठीक कर दिया सही वक्त पे, तो आप आधा समस्या का समाधान स्वयं कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी भीड़ भी आपकी बात को सुनती है। कहावत है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और इसलिए हमको इस दिशा में भी सोच के हुए जाना चाहिए। हमारी आंखें अच्छी होती है तो हमें दुनिया अच्छी दिखाई देती है, और अगर हमारे शब्द अच्छे होते हैं, जवान अच्छी होती है, तो दुनिया को हम अच्छे दिखाई देते हैं। ये बात मन के हमेशा किसी न किसी कोने में आपको रखना चाहिए। अधिकारी हमारे विभाग का है तो गर्व से सर उठा के ऊंचा चले। रात के अंधेरे में न कोई ऐसा काम करो मुंह जो छुपाना पड़े दिन के उजाले में, और दिन के उजाले में न कोई ऐसा काम करो नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में। ये भाव मात्र अगर आपके मन में रहा तो मैं समझता हूं ये भाव ही हमें बहुत आगे ले जाएगा। अपने आप का आंकलन जरूर करें, हम जहां हैं वहां सब हमें प्यार करें, हम वहां से चले जाएं तो वहां लोग हमें याद करें, और जहां हम पहुंचने वाले हैं वहां लोग हमारा इंतजार करें। इन तीन शब्दों में जीवन को ढालने की हम अधिकारी अगर कोशिश करेंगे तो मेरी मान्यता ऐसी है कि फिर हमसे कोई चूक या गलती शायद नहीं होगी। अपने मन को मजबूत करके चले, सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसी मेरी मान्यता है, और विभाग को आप सब गौरवान्वित करने का काम करेंगे। मैं हमेशा, अभी डीजी साहब को भी एक दिन डिजास्टर की शायद बैठक थी, अभी मैं रस्ते में भी अवस्थी साहब को कहता आ रहा था कि हमारा बदरंग चेहरा ही चला जाता है, जबकि मेरे को मालूम है कि मुसीबत की घड़ी में हमारा विभाग ही सीना ताने सामने रहता है। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब सब लोग घर पे आराम से सो रहे थे, चैन के साथ सो रहे थे, तब हमारा जवान सड़क पे खड़ा हुआ था। वो गर्मी में भी किट पहने था, वो सर्दी में भी किट पहने था। हमारे लॉकडाउन को सफल इस कोरोना काल में किसी ने कराया तो हमारे जवान ने कराया, और किसी को श्रेय नहीं जाता है उसका। कोई कार्यक्रम हो जाए, सिंहस्थ हो जाए, लाखों करोड़ों लोग आ जाएं, एक दिन में आ जाएं, ये पुलिस विभाग का ही हिम्मत रहती है कि उस सिंहस्थ में। अरे होली दिवाली सब त्योहार मनाते हैं अपने बच्चों के साथ में, लेकिन मेरे विभाग का, मेरा जवान, मेरा पुलिस वाला सड़क पर होली पर भी खड़ा रहता है और दिवाली पर भी खड़ा रहता है। उसका भी अपना परिवार है, लेकिन वो जीवट है। और इसलिए कहा कि हर परिस्थिति का सामना, विभाग कोई सा भी हो, चलता पुलिस से। मंडी में ट्रॉलियां ज्यादा आ जाए
ट्रैक्टर ज्यादा आ जाए हम ही है, मंदिर पे भीड़ ज्यादा आ जाए हम ही है, मस्जिद पे भीड़ ज्यादा आ जाए हम ही है। त्योहार कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, पुलिस से ही हो रहा है। विभाग कोई भी हो, हर अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सजा हमको मिल जाती है, सजा दिखाई देती है, अच्छा काम दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आज उस दिन कान में कही थी, आज माइक से कह रहा हूं डीजी साहब से, ये पक्ष हमारा जो वास्तविक पक्ष है वो जाना चाहिए। एक व्यक्ति को ही हमारे पूरे प्रदेश में मैं कंधे पे उठा के, एक्सीडेंट होता है कंधे पे दौड़ते देखे, अस्पताल में ले जाते देखे, स्ट्रेचर पे ले जाते देखे जवान, ये हमारा जो चेहरा है ये ज्यादा लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। मन को मजबूत रख के आप आगे बढ़ोगे, मन अगर व्यवस्थित होगा तो हमें चीज सारी की सारी अच्छी लगेंगी। हम जब मन हमारा विचलित होता है तो परिस्थितियां समस्या दिखाई देती हैं, जब मन स्थिर होता है तो हमें परिस्थितियां चुनौती दिखाई देती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियों में से हम अवसर निकालते हैं। यही जवान का काम है, यही पुलिस का काम है। मैं समझता हूं आप सब उस दिशा में विभाग का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ोगे। बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार जैसी परिस्थिति को संभालते हुए आप विभाग को ले जाओगे, वही दीक्षा होगी। समाज से सीखने वाली बात, मैंने अनुराधा शंकर जी का दीक्षा के ऊपर वो विषय कहा था, वो शिक्षा में शायद आपको किताबों में नहीं होगा, वो अनुभव से ही आएगा। वो समाज से जब सीखने की हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, जब हमारी समाज से सीखने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो हम स्वाभाविक रूप से अनुभवी कहलाएंगे, बहुत अच्छे कहलाएंगे, और तभी हम परिपक्व कहलाएंगे। और इसलिए मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी का काम हमेशा करते रहना चाहिए। मेरी बहुएं हैं, अभी लॉकडाउन के पीरियड में पाक कला के कोर्स चल रहे थे टीवी पे, वो रोज उसमें से देख देख के, कभी पिज्जा कभी बर्गर, नए जो आइटम आ गए हैं वो कोशिश करती हैं बहुएं दोनों बनाने की। पर मेरी माँ 85 साल की, ऐसे मेरे से बात करते में अभी नमक मिर्ची दाल में डाल के दाल परस देती है, तो वो दाल में जो आनंद आता है वो उस पिज्जा बर्गर की बिसात ही नहीं है कहीं, क्योंकि वो अनुभव से आई हुई चीज है, ये ज्ञान प्राप्त कर रही है। अनुभव से आई चीज का एक अपनी परिपक्वता और कॉन्फिडेंस उसके अंदर आपको दिखाई देगा। समाज से सीखने की बात हमें जरूर करना चाहिए। आज आप कुएं से निकल के सागर की ओर जा रहे हैं, सागर बहुत बड़ा होता है, समाज के अनेक रूप हैं उस सागर में। वो आपने सुना है ना कुएं के मेढक का और तालाब समुद्र के मेढक का, वो किस्सा मैं सुना नहीं चाहता। आप सब अनुभवी लोग हो और पढ़ लिख के आए हो, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर वगैरह वगैरह इत्यादि से भी सीखते और पढ़ते ही है हम सब। तो हम में से सार सार को कह लेना है, थोते को उड़ा देना है, और समाज के साथ में एक अच्छा चेहरा आप सब प्रस्तुत करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हमारे अकादमी की ताकत हमारे यहाँ का स्टाफ है जिन्होंने संस्थान को अपने श्रम से संवारा है, अतः अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अकादमी के प्रतिनिधि स्टाफ से कि आज के इस कार्यक्रम में मज्जासीन मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सबसे पहले मैं अकादमी के निरीक्षक श्री तिलक राज प्रधान का आमंत्रित करता हूँ कि वो माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर नरोत्तम मिश्र को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।